हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला फिश करी, जिसे आज हम बिना सरसों के बनाने वाले हैं और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। आप भी इस तरीके से एक बार फिश करी जरूर बना के देखिए, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फिश करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 700 ग्राम रेहू फिश लिया है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम फिश को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम करी बनाने के लिए सबसे पहले मसाला रेडी करेंगे। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, 3 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़े साइज का पूरा छिला हुआ लहसुन, 1 इंच कटा हुआ अदरक लिया है। अब इन सभी चीजों को एक मिक्सर के जार में ऐड कर लेंगे। और इसका हम फाइन सा पेस्ट रेडी करेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिश को हमेशा मस्टर्ड ऑयल पे ही बनाएं, इससे फिश में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके फिश को डाल देंगे। एक बार में जितना फिश अटेगा उतना ही डालेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए फिश एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम टर्न कर देंगे और इसे हम दूसरे साइड भी मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए फिश दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह से सारे फिश को फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने उसी तरह से सारे फिश को फ्राई कर लिया है। अब इसी ऑयल में हम 2 हरी मिर्च को तोड़ के ऐड करेंगे और इसमें हम 2 तेजपत्ता भी ऐड करेंगे और इसे हम कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो पेस्ट बना के रखा था अदरक लहसुन और टमाटर प्याज का, उसे ऐड कर लेंगे। अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसे तेल ना लग हो जाए। इसे अच्छे से फ्राई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो प्याज का जो कच्चापन है वो रह जाएगा। देखिए इसे तेल अलग हो चुका है, यानी कि अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे करी में बहुत अच्छा कलर आता है, और नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि मसाला को फ्राई करने में इजी हो जाए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि मसाला से तेल अलग ना हो जाए। देखिए मसाला से तेल अलग हो चुका है, यानी कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 कॉफी मग पानी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में ग्रेवी में 1 उबाल आने तक पकने देंगे। देखिए ग्रेवी में 1 उबाल आ चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ फिश को ऐड करेंगे।
और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम बिना कवर किए हुए मीडियम फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है, अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे कि मछली में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए और पकने देंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुका है, अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला फिश करी बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब मैं आपको गर्मा गर्म फिश करी को सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया फिश करी बनके रेडी हो चुका है और इसमें कलर भी बहुत अच्छा आया है और आपने देखा कि इसे बनाना भी कितना आसान है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। बिना सरसों के भी ये वाला जो फिश करी वो इतना टेस्टी बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब इसे आप गर्मा गर्म रोटी चावल पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप भी इस आसान तरीके से एक बार फिश करी जरूर बना के देखिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।